बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, बीआरएस के आईकैप के क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और 20 तक डिस्कशन हो गई थी। इसके अलावा और पूछना तो पूछ लें, 20 के अलावा अगर 20 से पीछे भी कोई रह गया तो पूछ लें, कोई मसला नहीं है। 20 वाला करवा दूं। हाँ जी, 10 दसवें एमसीक्यूज में आया, जरा 10 वाले एमसीक्यूज में आ जाओ जरा यार। टेन वाले एमसीक्यूज में वो कह रहा है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन कलेक्टेड फ्रॉम द बुक ऑफ मुर्तजा, बैलेंस एज पर कैश बुक। भाई कैश बुक का कौन सा बैलेंस चल रहा है हमारा? हेलो बच्चों, डेबिट बैलेंस है, ऐसी है। चलें जी, रिक्वायरमेंट पढ़ने करना गया ताकि क्वेश्चन के डायरेक्शन पर चल जाए। व्हाट इज द करेक्टेड कैश बुक, कहता है हमें कैश बुक का करेक्टेड बैलेंस फाइंड करना है, कैश बुक का करेक्टेड बैलेंस फाइंड करना है। तो देखते हैं कैश बुक का करेक्टेड बैलेंस है क्या। तो इसका मतलब मुझे सिर्फ कैश बुक को सही करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैश बुक ले लेंगे। भाई कैश बुक कौन सी वाली चाहिए? तो एडजस्टेड कैश बुक। और आपको बताते हैं अगर कैश बुक एडजस्टेड चाहिए तो स्टार्ट कौन से लूंगा, अनएडजस्टेड से। और ये जो कैश मेरे पास बुक का बैलेंस है, डेबिट बैलेंस 15,000, ये 15,000 कौन सा बैलेंस है मेरा? अनएडजस्टेड है। यहां तो ये बीडी आ गया कैश बुक का, अनएडजस्टेड है, ठीक है, यूए लिख लिया, अनएडजस्टेड बैलेंस। अब चेक करते हैं क्या गलतियां हुई क्या नहीं हुई, उसके मुताबिक चलते हैं। अनप्रेजेंटेड चेक का ताल्लुक हमसे है या नहीं है? भाई हमसे नहीं है, अल्लाह हाफिज कर दो इसको। अनक्रेडिट चेक का हमारे ताल्लुक है? भाई नहीं है। भाई बैंक चार्जेस 200 माइनस होंगे, इनका ताल्लुक कैश बुक के साथ है, 200 क्या जा रहे हैं तो 200 को यहाँ पे माइनस कर दूंगा। किस नाम से? बैंक चार्जेस के नाम से। बैंक चार्जेस कितने आगे? 200 आगे, ये आ गया। बैंक डेबिट मुर्तजा फॉर बैंक इंटरेस्ट रुपीज 120 इंस्टेड ऑफ 150। अच्छा जी, बैंक ने मुर्तजा का क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। भाई किससे किया? डेबिट 120 से कर दिया, बजाय किसके 150। तो भाई 150 के अलावा 120 से डेबिट कर दिया, तो अब इसका रिवर्स क्या करेंगे, इंपैक्ट क्या करेंगे बच्चों? हाँ भाई रिकॉर्ड, अच्छा नो अमाउंट वॉज रिकॉर्डेड, भाई अमाउंट रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी, इसका मतलब बैंक इंटरेस्ट 120 के बजाय कितना था? 150। भाई 150 था ना, तो अच्छी बात है हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो बैंक इंटरेस्ट कितना है? 150 है, तो बैंक इंटरेस्ट यहाँ पे लिख लूंगा। अच्छा भाई यार हमने ये रिकॉर्ड नहीं किया, और अगर रिकॉर्ड किया होता तो इसका मतलब 150 के बजाय 120 लिख किया होता, 30 और कर देता, 150 पूरा हो जाता। अच्छा जी, यहां तक। इसके अलावा कहता है फर्दर इट वॉज फाउंड दैट रिसीट, भाई रिसीट वाली साइड डेबिट होती है, रिसीट वाली साइड डेबिट होती है और पेमेंट वाली साइड क्रेडिट होती है। रिसीट ऑफ 1500 वॉज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, मतलब 1500 को डेबिट पे लिखना था पर मैंने क्रेडिट पे लिख दिया। भाई इसको यहाँ पे लिखूंगा तो 3000 बन जाएगा, ये एग्री कर रहे हो? 3000, तो ये बन जाएगा रॉन्ग क्रेडिट। 3000 कैसे बना? 1500 को 2 times कर दिया, डन। अच्छा ये साथ हिंट लिखने की जरूरत नहीं एग्जाम में, बस एग्जाम में जल्दी जल्दी प्लस माइनस करके चेक करना आपने। पेमेंट ऑफ 1200 वॉज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, भाई 1200 को क्रेडिट साइड पे लिखना था पर मैंने डेबिट साइड पे कर दिया, तो इसको जब क्रेडिट पर लेकर आऊंगा क्या करूंगा, 1200 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर 2400। सारी चीजें खत्म हो गई। चलो जी टोटल मारो क्या होता है, जो भी बचेगा आंसर होगा। इसका मतलब कैरी डाउन क्या आया, कैरी डाउन क्या आया 15 to 50, भाई ये मेरा आंसर है। और ये देखो कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, तो ऑप्शन इज बीटा। चलें जी आगे चलें, और कौन सा सवाल? और सवाल पूछे जी बच्चों, इसके अलावा कौन सा पूछा यार आप लोगों ने? 11 वाला, ओके 11 वाले पर आ जाओ बच्चों, 11 वाले सवाल पे आ जाए। अ बैंक स्टेटमेंट शो, बच्चों यार बातें नहीं करनी, हेलो बच्चों और बातों वाले भाइयों, अ बैंक स्टेटमेंट शो अ बैलेंस ऑफ 4000 इन क्रेडिट,
भाई बैंक का बैलेंस कितना आ रहा है, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कितना आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस नॉर्मल बैलेंस होता है तो कोई टेंशन नहीं है। ऑन एग्जामिनिंग दी बैंक स्टेटमेंट, अब हम किसको एग्जामिन कर रहे हैं, इसका मतलब भाई अब बीआरएस वाली दुनिया में आ जाओ, बीआरएस वाली दुनिया में आ जाओ। इट वॉज फाउंड दैट द चेक ऑफ 600 डिपॉजिट इन बैंक एज पर कैश बुक नॉट येट ऑन द बैंक स्टेटमेंट। भाई ये डिपॉजिट हुआ बच्चों, ये बैंक में डिपॉजिट हुआ लेकिन एज पर कैश बुक के मुताबिक डिपॉजिट हो गया, लेकिन बैंक में तो अभी तक ये पैसे हुए ही नहीं, बैंक में तो ये पैसे अभी तक आए नहीं, तो 600 क्या हो गया, अनक्रेडिट चेक। 600 क्या गया, अनक्रेडिट चेक। भाई कैश बुक में पैसे आ गए पर बैंक में पैसे क्रेडिट नहीं हुए, तो इसका मतलब ये अनक्रेडिट रहा। एंड चेक रुपीज 1000, आपको बताया था ना जो डेबिट बनता है, जो डेबिट होता है कैश बुक का वो अनक्रेडिट बनता है, और जो क्रेडिट में होगा वो अनप्रेजेंटेड बनेगा। फिर वो कह रहा है चेक रुपीज 1000 इशूड, भाई जो हमने 1000 चेक इशू किया, तो देखो जब 1000 इशू किया होगा तो यहां से अल्लाह हाफिज कह दिया होगा सर को मैंने, बट नॉट येट अपियर्ड ऑन बैंक स्टेटमेंट, इसका मतलब बैंक स्टेटमेंट से पैसे कम नहीं हुए, बैंक स्टेटमेंट से पैसे कम नहीं हुए, तो क्या कर दूंगा भाई, हमने माइनस किया था ऐड कर देंगे, सही है। अगर आपको पता अगर समटाइम एग्जाम में ऐसा हो जाए आपको अनप्रेजेंटेड और अनक्रेडिट का कॉन्सेप्ट ही अल्लाह हाफिज हो जाए, भूल ही जाए यार अनक्रेडिट का, तो अनप्रेजेंटेड को प्लस करना है माइनस करना है, तो लॉजिकली सोच लो यार ये 600 के साथ मैंने क्या, ये मेरी कैश सीबी है ना, ये सीबी साथ मैंने क्या किया हो? भाई इट वॉज फाउंड दैट चेक ऑफ 600 डिपोजिट इन बैंक, भाई मैं तो कैश बुक में 600 लिख बैठा पर बैंक में नहीं लिखा, नॉट येट ऑन द बैंक स्टेटमेंट, भाई बैंक स्टेटमेंट में नहीं है। अब जो चीज बैंक स्टेटमेंट में नहीं है तो मैं ज्यूम करूंगा मेरी कैश बुक में भी नहीं है, तो भाई इस 600 क्या कर दूंगा भाई, क्रेडिट साइड पे कर दूंगा, मेरी बात समझ आ रही है, यानी माइनस करूंगा, डन माइनस करूंगा। अब 1000 को क्या किया मैंने, इशू कर दिया, लेकिन बैंक से ये 1000 पे कटे ही नहीं, तो भाई इस 1000 को यहां से काट के क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा, ये करेक्शन हो जाएगी बीआरएस में, मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, कि बारो बार गुजरा सारा कुछ नहीं समझ आई, अगर नहीं समझ आई तो बीआरएस बना के दोबारा भी समझा देता हूँ, मसला नहीं है, आ रही कि नहीं आ रही। अच्छा फर्दर मोर द कैश बुक शो डिपोजिट इंटरेस्ट, फर्दर मोर द कैश बुक शो डिपोजिट इंटरेस्ट रिसीव 100 बट दिस इज नॉट येट ऑन द स्टेटमेंट। कहता है फर्दर मोर ये हुआ कि कैश बुक में डिपोजिट इंटरेस्ट रिसीव, हमने क्या किया 100 का इंटरेस्ट रिसीव किया लेकिन बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ है, इसका मतलब इसको भी उठा के क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा, तो ये एडजस्टमेंट होगी 1, 2, 3 बीआरएस में, यानी कि 600 क्या होगा माइनस, 1000 क्या होगा ऐड, और ये 100 क्या होगा माइनस, तो मेरा बैलेंस एज पर क्या आ जाएगा, बोलो यार कैश बुक आ जाएगा, यानी कि इक्वेशन से भी करवा देता हूँ वैसे भी करवा देता हूँ। भाई फॉर्मूला क्या होता है, एडजस्टेड कैश बुक उसमें करेंगे प्लस माइनस तो आ जाएगा बैंक स्टेटमेंट, ऐसे ही होता है सीन, सारा सीन ऐसे ही होता है ना। अच्छा एडजस्टेड कैश बुक मेरे पास नहीं है, आज यही तो मुझे फाइंड कैश बुक तो फाइंड करना है, अब इसमें क्या माइनस करूंगा 600, क्या ऐड करूंगा 1000, क्या माइनस करूंगा 100, तो आ जाएगा बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस, वो कितना 4000 क्रेडिट, और 4000 क्रेडिट का मतलब नॉर्मल बैलेंस, ये 4000 ऐसे आ गया, जरा प्लस माइनस करें और देखें कैश बुक का आंसर क्या आता है, पक्की बात है 3700 आ गया, मेरी बात समझ आई, ये 3700 सर आ गया। और अगर आप लोगों ने कहा नहीं सर ये तो मजा ही नहीं आया, बीआरएस वाला तो टच ही नहीं इसमें आ रहा, तो बीआरएस वाला जरा टच तो लेकर आए, तो भाई बीआरएस में ये होता है कि एडजस्टेड कैश बुक ये बैलेंस यहां पर ये आएगा, ये पता नहीं है, इसमें ऐड कर दूंगा अनप्रेजेंटेड चेक, माइनस कर दूंगा अनक्रेडिट चेक्स, फिर माइनस कर दूंगा एक और अनक्रेडिट चेक है, तो यहां पे टोटल आ जाएगा बैंक स्टेटमेंट का, एग्री करते हैं मेरी बात से, ये बैंक स्टेटमेंट का टोटल आ जाएगा, भाई कितना आएगा टोटल 4000, भाई 4000 इधर आ जाएगा, अनप्रेजेंटेड चेक कौन था भाई, ओ अनप्रेजेंटेड चेक कौन है 1000, 1000 क्या है अनप्रेजेंटेड चेक, तो 1000 आएगा अनप्रेजेंटेड चेक ऐड हो जाएगा, एक अनक्रेडिट चेक 600 का था और एक ये अनक्रेडिट अमाउंट 100 की थी, तो 600 को माइनस किया और 100 को माइनस किया
रिवर्स चल के जाके ये फाइंड कर लें और ये निकलेगा 3700। अब बताइए ये बात समझ आई या नहीं आई। बजाय इसके किसी सवालों में अनप्रेजेंटेड क्या है, अनक्रेडिट क्या है, इसके अलावा आप लॉजिक सोच लो। ये देखो दोबारा बता रहा हूं जल्दी से, ये 600 को हमने कैश बुक में क्या किया था, डिपॉजिट, यानी कि 600 को मुझे यहां लिख दिया, मैंने यहां लिख दिया था, लेकिन बैंक में तो अभी जाकर ये तो क्रेडिट नहीं हुए। इसका मतलब मैंने जज्बात में अगर 600 को जल्दी डेबिट कर दिया तो भाई इसका इम्पैक्ट खत्म करने के लिए क्या करूंगा, 600 को क्रेडिट, इनके माइनस करूंगा। ये देखो ये माइनस कर दिया, मेरी बात समझ आई? यस सर। इस क्वेश्चन में अब मैं एक एक दो दो तरीकों से करवा रहा हूँ, अब मुझे डर भी लग रहा है यार, कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो रहे आप मेरे आसानी के चक्करों में। पढ़ना शुरू किया आप लोगों ने कि नहीं किया? आगे चलें, अगला सवाल पूछो कोई और, कोई 20 तक, 25 तक, 30 तक, 15 वाले भी आए बच्चों जरा। फिफ्टीन वाले पर रिक्वायरमेंट पढ़े, व्हाट वाज द बैलेंस एज शोन बाय द बैंक स्टेटमेंट। इसका मतलब मुझे बैंक स्टेटमेंट तक पहुंचना है, अगर तो बैंक स्टेटमेंट तक पहुंचना है, मेरा सफर कहां से स्टार्ट होगा, कैश बुक से बीआरएस पर, फिर बीआरएस का एंड वाला बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस मैच कर जाएगा। देन अब सवाल पढ़ते हैं, द बैंक बैलेंस इन कैश बुक बिफोर टेकिंग द आइटम बिलो इनटू अकाउंट वाज 9875। ओवरड्रॉन बैलेंस है, अगर ये ओवरड्रॉन बैलेंस है कह सकता हूं तुम तो क्रेडिट बैलेंस हो। चलो जी, तो भाई क्रेडिट बैलेंस बना लेते हैं। तो ये हमारे पास कौन सी किताब आ गई, पैसों वाली किताब। कैश का मतलब होता है पैसे, बुक का मतलब होता है किताब, तो कैश बुक का मतलब क्या हो गया, पैसों वाली किताब। सही है जी, पैसों वाली किताब आ गई। भाई पैसों वाली किताब में बैलेंस कौन सा बढ़ा हुआ, क्रेडिट बैलेंस, तो कह सकता हूँ ब्रॉडन आ गया आज 9870 का। अच्छा भाई बैंक चार्जेस तो सुना है माइनस होते हैं यहाँ पे आजकल, आपका भी सेम ख्याल है? और लिखा हुआ हैव नॉट बीन एंटर्ड इन कैश बुक, तो भी हमने एंटर कर दिया। द बैंक हैज क्रेडिटेड द अकाउंट इन एरर विद 645 विच बिलोंग टू अनदर कस्टमर। अच्छा द बैंक हैज क्रेडिटेड द अकाउंट, बैंक ने क्या किया, गलती से 645 रुपीज हमारे अकाउंट में ऐड कर दिए, ठीक है, जो कि किसी और कस्टमर के थे, गलती से ये पैसे हमारे अकाउंट में आ गए। अगर ये गलती से हमारे अकाउंट में आ गए तो इसकी गलती कैश बुक में सही करूंगा या बीआरएस में जाके सही करूंगा, बीआरएस। भाई तुम्हारी गलती बैंक की गलती है, बैंक तुम्हारी गलती को बीआरएस में देखेंगे। अभी हम आईज क्लोज कर लेंगे 645 पर। डन, हैव यू क्लोज योर आईज, नाउ ओपन इट। थर्ड वाला पॉइंट पढ़ते हैं, फोर्थ वाला, चेक पेमेंट टोटलिंग 4385 हैव बीन एंटर्ड इन कैश बुक। कहता है कैश बुक में हमने एंटर कर लिया बट नॉट हैव बीन प्रेजेंटेड बाय चेक। भाई हमने ये डेबिट कर दिया लेकिन बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, तो ये एक अनप्रेजेंटेड चेक होगा या अनक्रेडिट चेक्स होंगे। 4385 के बारे में बताइए, अनप्रेजेंटेड चेक है या अनक्रेडिट चेक्स हैं? भाई लिखा हुआ है हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड, इसका मतलब अनप्रेजेंटेड चेक है। लॉजिकली बता दें, पहुंच गए। अच्छा जी, याद रखना पेमेंट का ताल्लुक प्रेजेंटेशन से है, पेमेंट का ताल्लुक अनप्रेजेंटेड चेक से है, और अगर कैश चेक रिसीव किया वो अनक्रेडिट चेक होगा। ये बात, सप्लायर का ताल्लुक अनप्रेजेंटेड से है, पेमेंट का ताल्लुक अनप्रेजेंटेड से है, कस्टमर का ताल्लुक अनक्रेडिट से है, ये बात याद रखें, इससे भी पता चल जाएगा आपको कॉन्सेप्चुअली। लेकिन यहाँ पे वर्ड क्लियर करता है हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड, हमने कहा अनप्रेजेंटेड चेक, तुम्हारा भी ताल्लुक बीआरएस से है, छुट्टी करो यहाँ से। चेक टोटलिंग 6500 हैव बीन करेक्टली एंटर्ड ऑन द डेबिट साइड कैश बुक बट नॉट हैव बीन पेड इन द बैंक। अच्छा भाई ये चेक हमने क्या किया, कैश बुक में एंटर कर लिया, कस्टमर से पैसा आया होगा,
क्या ख्याल है भैया? कस्टमर से पैसा आया, ये पैसा भी बैंक में इन नहीं हुआ, तो 6500 क्या बन गया? अन क्रेडिट चेक बन गया। तो अन क्रेडिट चेक तुम भी कहाँ जाओगे? BRS में जाओगे और तुम्हारा नाम है अन क्रेडिट चेक। सारी एडजस्टमेंट खत्म होगी। मुझे बताओ एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस क्या आया? एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस कितना आया? 10। ये जो कैरी डाउन बैलेंस आया, ये जो कैरी डाउन बैलेंस आया 10620 का, भाई ये नॉर्मल बैलेंस आया एबनॉर्मल बैलेंस आया? इसका मतलब ये कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस आया, तो इसका मतलब तो मैं क्रेडिट बैलेंस। मुझे बताएं अब मुझे BRS बनानी है, वर्टिकल फॉर्म में बना दूं या आप लोगों को इक्वेशन फॉर्म में बना दूं? वर्टिकल में बना दें। वर्टिकल में सोचना थोड़ा सा मुश्किल होता है, पहले बता रहा हूँ आपको, ठीक है? अपने रिस्क पे चलेंगे। तो भाई सबसे पहले आएगा एडजस्टेड कैश बुक। एडजस्टेड कैश बुक आज माइनस वाला बैलेंस होगा 10620 वाला। इसमें ऐड कर दूंगा अनप्रेजेंटेड चेक। तुम कहाँ हो अनप्रेजेंटेड? 4385। तो अनप्रेजेंटेड चेक ऐड कर देंगे 4385। और कौन कौन है? और अनक्रेडिट कितना है? 6500। तो माइनस कर देंगे अनक्रेडिट चेक कितना? 6500 माइनस कर दिया। अब एक वो गलती वाली भी तो रह गई, वो गलती भी तो रह गई 645। अब 645 के पास साथ क्या हुआ पढ़ते हैं। द बैंक हैज क्रेडिट, भाई बैंक ने क्या किया? द बैंक हैज क्रेडिटेड द अकाउंट इन एरर, ठीक है? द बैंक ने क्या गलती से ऐड कर दी है। तो अगर ऐड हो रहे हैं, ठीक है, विच बिलोंग टू अनदर कस्टमर, तो भाई हम भी क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे 6 फुट। अब हम बैंक को ये नहीं कह सकते बैंक तुम्हारी गलती है ना, चलो तुम माइनस कर लो। तो हम मैच करने के लिए क्या कर लेंगे? उस जैसा काम कर लेंगे, ठीक है? अच्छा जी, तो फिर बैंक को रियलाइज होगा, ओहो ये तो मैंने गलत कर दिया। जब बैंक रिवर्स करेगा मैं भी रिवर्स कर दूंगा। तो बैंक ने क्या किया? हमारे अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, तो हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, यानी कि ऐड कर लेंगे। तो भाई ऐड कर लो किसको? 645 को। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। बताओ तो आंसर क्या बनता? 1 2 0 9 0 4 4 0 ओवरड्राफ्ट। क्या आंसर आया? -12,090 1 2 0 9 0 यानी कि ये निकला, किधर निकला? 12090 ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। और ये 645 क्या? बैंक ने क्या कर लिया? रॉन्गली क्रेडिट। ये रॉन्गली क्रेडिट वाली हमने याद है, रॉन्गली क्रेडिट वाली याद है, हमने पढ़ा था, ये रॉन्गली क्रेडिट किया बैंक ने। और बताएं ट्वेंटी वाले पे आ जाए। ट्वेंटी वाले पे पढ़ते हैं। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, भाई बैंक स्टेटमेंट का डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब ये नॉर्मल बैलेंस नहीं है, यानी कि 1000 नेगेटिव में पड़ा हुआ है। कंपैरिजन ऑफ बैंक स्टेटमेंट विद कैश बुक किया तो पता चला, रिवील ये पता चला, चेक 3200 पेड इन पर दी कैश बुक बट नॉट येट ऑन द बैंक स्टेटमेंट। भाई हमने कैश बुक में डेबिट कर लिया, हमने कैश बुक में डेबिट कर लिया लेकिन बैंक में नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे? इसको माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, ठीक है? बात समझ आ रही है मेरी? बोलो यार। यस सर। तो ये अनक्रेडिट चेक होगा अनप्रेजेंटेड? सर ये अनप्रेजेंटेड चेक है, ये ऐड करें। चलें जी, भाई बैलेंस कितना आया? डेबिट बैलेंस आ गया, तो यहाँ पर आ जाएगा बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस भेजो कितना है? 1000। 1000 प्लस वाला माइनस वाला? माइनस वाला। फिर पेड इन का मतलब है रिसीव्ड, पेड इन का मतलब रिसीव्ड। हमने 3200 रिसीव कर लिए लेकिन बैंक में अभी तक क्रेडिट नहीं हुए, बैंक में अभी तक क्रेडिट नहीं हुए, तो ये क्या होगा? अनक्रेडिट चेक्स। अनक्रेडिट चेक्स, तो अनक्रेडिट चेक्स क्या होंगे? माइनस होंगे। कितने? 3200 से। आगे चलें, कह रहा है 500 पेड आउट। पेड आउट का मतलब ये हमने एक्सपेंस किया है, ये पैसे दिए हैं, विड्रॉ हुए हैं, ये एक्सपेंस है हमारा।
अगर 500 हमारा एक्सपेंस हुआ है, ठीक है, यानी कि हमने अपने सप्लायर को ये पैसे पेमेंट चेक 500 का दिया है, बट नॉट येट अपियर ऑन द बैंक स्टेटमेंट, लेकिन वो बैंक स्टेटमेंट भी अभी तक अपियर नहीं हुआ, इसका मतलब बैंक में अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ, ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है। अगर प्रेजेंट नहीं हुआ तो हम क्या करें, ऐड कर देंगे अनप्रेजेंटेड चेक, कितने का, 500 का, ठीक है। इसको सॉल्व करें, बस ये मुझे चाहिए, ये है एडजस्टेड कैश बुक, खत्म कहानी। तो यही मुझे चाहिए था, एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस कितना आता है आंसर, 1700, प्लस में माइनस में, प्लस में, अगर प्लस में आता है तो नॉर्मल बैलेंस होगा, क्या ख्याल है, तो 1700 पॉजिटिव बैलेंस यानी कि नॉर्मल बैलेंस ही है। और पूछे ना, ठीक है, मैं आपको इसी पैटर्न पे करवाऊंगा, बस अब ये पैटर्न पका कर लो। चलो बच्चों, हमने 40 तक जाना है यार, अभी हम तो 21 में 20 में जी। ट्वेंटी एट वाले में एन अमाउंट ऑफ रुपीज 1000 इज डेबिट ट्वाइस इन द बैंक स्टेटमेंट इंस्टेड ऑफ वंस। भैया गलती 1000 वाली गलती कहां पर हुई है, भाई बैंक स्टेटमेंट में हुई है, ऐसी है, तो लिख लेते हैं बीआरएस में गलती हुई है। When overdraft balance as per cash book, भाई कैश बुक का कौन सा बैलेंस है overdraft? तो यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस है 5000, भाई कौन सा बैलेंस है overdraft 5000 है, भाई 5000 किस में होगा, ये 5000 माइनस में होगा, वॉट विल द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, कहता है बैंक स्टेटमेंट का ये वाला बैलेंस क्या होगा, जबकि ये वाले एरर को हम क्या करें, कंसीडर करेंगे, ऐसे अच्छा जी, अब पढ़ते हैं एरर हुआ क्या। एन अमाउंट ऑफ रुपीज 1000 इज डेबिटेड ट्वाइस इन द बैंक स्टेटमेंट, भाई हमने दो मरतबा क्या कर दिया डेबिट कर दिया, दो मरतबा डेबिट करने का मतलब हमने माइनस कर दिया हुआ होगा ना, yes, यानी कि ज्यादा डेबिट कर दिया, तो भाई 1000 से डेबिट क्या कर देंगे हम बच्चों, कम कर देंगे, ठीक है। अब वो 1000 से डेबिट कम करने के लिए क्या करेंगे, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, ये सोचना है बच्चों। 1000 को हमने ज्यादा डबल डेबिट कर दिया, जब हमने ट्वाइस डेबिट कर दिया, तो अब हम बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से कैसे मैच करेंगे, भाई बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से मैच करने के लिए जो गलती बैंक ने की वो तो हम बैंक को क्या ये कह नहीं सकते कि तुम सही कर लो, तो फिर क्या करेंगे, हम बैंक जैसे बन जाएंगे, जो बैंक ने की हम भी वैसे कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि अभी मैंने एग्जाम्पल दी, मान लें कि हमारे बैंक अकाउंट में 10000 रुपए पड़े हुए हैं, बैंक ने क्या किया, 1000 को दो मरतबा डेबिट कर दिया, एक मरतबा डेबिट हो गया और फिर एक और मरतबा डेबिट हो गया, दो मरतबा डेबिट हो गया। अब देखें, बैंक ने ये वाला डेबिट तो सही किया, पर बैंक से ये गलती से डेबिट हो गया, यानी कि बैंक हमारी बैंक स्टेटमेंट में कितने पैसे आ रहे होंगे, 8000, और इसके पैरेलल हमारी कैश बुक चल रही होगी, जब हम कैश बुक बना रहे होंगे 10000 पे हमारा डेबिट था और हमारे मुताबिक तो 1000 की पेमेंट होनी चाहिए थी, इसका मतलब हमारे मुताबिक बैलेंस कितना आ रहा होगा, 9000 का, लेकिन बैंक में बैलेंस कितना आ रहा है, 8000 का, ये हम दोनों में गड़बड़ शुरू हो गई। अब हम क्या कर सकते हैं, बैंक को सही नहीं कर सकते, अब बैंक ने 1000 गलती से क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो मैं भी क्या कर दूंगा, फर्दर और 1000 मैं भी यहां पे माइनस कर दूंगा, ताकि 10 में से 2000 माइनस होके ये 8000 मेरा और बैंक का दोनों बैलेंस मैच कर दे, तो हमने 1000 माइनस किया, तो दैट्स व्हाई यहां पे 1000 क्या करूंगा, माइनस करूंगा, देन क्योंकि बैंक ने डेबिट ओवर डेबिट कर दिया, बैंक ने बच्चों क्या कर दिया, ओवर डेबिट कर दिया, तो माइनस कर दूंगा, तो बैंक ने गलती से रोनेसली डेबिट कर दिया, तो अब बताएं -5 और -1000 आंसर क्या है, -6000, -6000 विल बी अवर आंसर, दैट इज द अल्फा। ट्वेंटी नाइन वाले पे राजा, अच्छा जी 29 वाला,
बैंक सेट डेबिट एडवाइस, भाई डेबिट एडवाइस का मतलब होता है पैसे जा रहे हैं, हेलो बच्चों, डेबिट एडवाइस का मतलब होता है पैसे जा रहे हैं। बैंक सेंड डेबिट एडवाइस रुपीज 50,000 टू कंपनी बीइंग इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट के वो बैंक ने 50,000 रुपए काट लिए। इट वॉज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, भाई कैश बुक में नहीं किया तो भाई क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे कैश बुक को 50,000 से, वहां से भी चले जाएंगे। और पूछे समझ आई, आगे पूछे, और पूछे। 35 वाले भी आ जाए, फॉर रिकनसाइलिंग बैंक बैलेंस, कहता है बैंक बैलेंस को रिकनसाइल करने के लिए अनप्रेजेंटेड चेक शुड बी, भाई अनप्रेजेंटेड चेक कहां से कहां ट्रेवल करता है, आपको बताया ये हमारी होती है कैश बुक और ये हमारी होती है BRS, ठीक है। तो अनप्रेजेंटेड चेक यहां से निकल के यहां पर अनप्रेजेंटेड चेक क्या हो रहा होता है बच्चों, ऐड हो रहा होता है अनप्रेजेंटेड चेक, ये सीन चल रहा होता है, ठीक है। तो कैश बुक में डेबिट साइड पर आता है लेकिन BRS साइड में वो क्या हो रहा था, ऐड हो रहा होता है अनप्रेजेंटेड क्रेडिट साइड पे क्या। अच्छा जी, तो बच्चों जरा देख लो, जो अनप्रेजेंटेड चेक है ना ये तो सप्लायर को दिया जाता है, यानी कि ये तो हमने एक पेमेंट की होगी, अगर हमने पेमेंट की है तो अनप्रेजेंटेड चेक यहाँ पर कैश बुक में आएगा जो कि क्रेडिट साइड पर होगा, और BRS में क्योंकि हमने माइनस किया हुआ है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा अनप्रेजेंटेड, क्योंकि BRS और कैश रिवर्स चल रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो कैश बुक से कम हो रहा है तो डिडक्टेड फ्रॉम बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट और एडिट टू बैलेंस ऑफ कैश बुक, अगर मुझे रिकनसाइल करना है तो रिकनसिलेशन कैसे होगी, तो रिकनसिलेशन तब होगी जब हम क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। या तो दो काम करेंगे, नंबर वन BRS में ऐड हुआ, अगर मैं BRS में से माइनस कर दूं तो ये और ये दोनों मैच कर जाएंगे, पहली ऑप्शन ये है। एक काम करोगे दोनों काम ना कर देना, मेरी बात समझ आई, अच्छा। या दूसरा काम ये है, इसके एग्जांपल ले लेते हैं यार, एक मान लो हमारे पास 1,000 रुपए हैं और अनप्रेजेंटेड चेक मान लो 200 रुपए का था, तो भाई 1,000 में से जब 200 माइनस किए तो एडजस्टेड कैश बुक में क्या आ रहा होगा, 800, तो इधर आ रहा होगा 800, ऐसे है। जब इधर 800 आ रहा है और हमने क्या किया यहाँ पे 200 अनप्रेजेंटेड चेक यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, अब बैलेंस कितना आ रहा है 1,000, अब मेरा बैलेंस आ रहा है 1,000, एडजस्टेड कैश बुक में पड़ा हुआ है 800, ये दोनों रिकनसाइल नहीं कर रहे। अब रिकनसिलेशन कब होगी, जब मैं यहां से 200 निकाल के यहां पे 200 रख दूं, ओ सॉरी यहां पे 200 रख, नहीं फिर 1,200 बन जाएगा ना यार, नहीं यहां से 200 नहीं निकालने, 200 यहां पे लिखे, जब 200 यहां पे लिखूंगा तो भाई ये 200 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 1,000 मेरे पास ये 1,000 से मैच कर देगा। या तो ये करूंगा, दूसरा काम ये करूंगा, इसका रेज कर रहा हूं मैं, दूसरा काम ये कर सकता हूं कि भाई यहां पे जो अनप्रेजेंटेड चेक, ये जो अनप्रेजेंटेड चेक जो मैंने ऐड किया था इसको माइनस कर दूं, अनप्रेजेंटेड चेक 200 से माइनस कर दूं, अब जब 200 से माइनस हो जाएंगे तो ये 800 इधर क्या आ जाएगा, 1,000 नहीं आएगा 800 आएगा, या 800 अगेन मैच कर जाएगा। तो जब अगर मेरे पास मिस मैच अमाउंट आ गई तो क्या कर सकते हैं, या तो कैश बुक को सही कर लो या तो BRS को सही कर लो, मेरी बात समझ आ गई। तो कैश बुक कैसे सही होती है, अगर कैश बुक को मैंने क्या किया हुआ है बच्चों, माइनस किया हुआ है ना, क्रेडिट किया हुआ, तो मैं डेबिट कर दूं, तो अगर डेबिट मीन ऐड कर दूं बैलेंस ऑफ कैश बुक में, 200 जगह 200 इधर आ जाए तो क्या बन जाएगा, 1,000 मैच कर जाएगा। दूसरा ये क्या है, क्योंकि अनप्रेजेंटेड चेक BRS में ऐड हुआ है, अगर मैं उसमें से अनप्रेजेंटेड माइनस कर दूं तो डिडक्ट फ्रॉम बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट, तो ये 800 या 800 मेरा मैच कर जाएगा। तो गलती कोई किसी एक जगह पे सही करनी है आप लोगों ने, ठीक है, क्लियर। चलो जी मैं जरा सारा रिवर्स कर लूं यहाँ पे, अच्छा जी आगे चलें, और कोई
38 पे आ जाना, 38 पे वाले पे देखें यार क्या कहता है, रिक्वायरमेंट क्या हमारी 38 पे। बैलेंस एज पर कैश बुक, अच्छा जी, डिटरमिन द बैलेंस एज पर कैश बुक और रिपोर्ट कहां पे करनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। भाई मुझे कौन सा बैलेंस चाहिए, एडजस्टेड कैश, एडजस्टेड चाहिए ना, अच्छा तो चले चलते हैं। बैलेंस इन जब्बार कैश अकाउंट शो कितना, भाई एसेट दे दिए, अच्छा जी मुझे चाहिए बैलेंस एज पर कैश बुक, ये बैलेंस एज पर कैश बुक कौन सा चाहिए, एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस चाहिए। चलें जी यहां पे बना लेते हैं नन्नी मुन्नी से, कैश बुक कौन से वाली चाहिए, एडजस्टेड, अच्छा जी भाई कैश अकाउंट में बैलेंस कौन सा आ रहा है, अनएडजस्टेड बैलेंस कितना आ रहा है, डेबिट बैलेंस 1660000 आ रहा है, क्लियर। और ये आया बैंक स्टेटमेंट का ओवरड्राफ्ट, तो इसकी जरूरत नहीं क्योंकि मुझे एडजस्टेड कैश बुक तक पहुंचना है, तो मैं कैश बुक से स्टार्ट हो जाऊंगा, वहां से कर लूंगा। अच्छा जी डेबिट साइड ऑफ कैश बुक हैड बीन अंडर कॉस्ट, भाई हमने कम डेबिट किया 2 लाख से, तो ठीक है 2 लाख से और डेबिट कर देते हैं फिर, अगर कम डेबिट किया तो ठीक है। ये आ गया द टोटल ऑफ रिसीट साइड कैश, भाई रिसीट साइड में कैश 24475 था, हैड बीन ब्रॉड फॉरवर्ड एज पर हमने ज्यादा ट्रांसफर कर दिया, तो कितना ज्यादा ट्रांसफर कर दिया, इन दोनों का डिफरेंस 18 लाख आता है, तो 18 लाख से जब ज्यादा ट्रांसफर कर दिया तो 18 लाख से कम करना पड़ेगा, तो 18 लाख से कम कर दिया। आगे क्या हुआ, बैंक चार्जेस 184,000 तो रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो कर लो यार 184,000 क्या हुआ, कौन सा ये वाला, अच्छा अ चेक रिसीव बाय जब्बार, भाई जब्बार ने 220 का चेक रिसीव किया, हेड बाउंस्ड, यानी कि ये हमारे पास हो गया डिसऑनर्ड चेक, क्या हो गया बच्चों, डिसऑनर्ड चेक, और डिसऑनर्ड चेक क्या होता है, माइनस होता है, तो ये डिसऑनर्ड आ गया यानी कि बाउंस्ड हो गया, कितना 220,000 का, और तो कुछ नहीं रह गया, बैंक चार्जेस हो गया। अनप्रेजेंटेड चेक अनक्रेडिटेड चेक, भाई तुम BRS में आओगे इसलिए तुम्हारा कोई काम नहीं है, बस इसको करें तो आंसर आ जाएगा, एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस आ जाएगा, बताएं कितना आता है, 344,000 किस साइड पर आता है, माइनस इस साइड पे आ गया, जी सर ओए ओवरड्रॉन बैलेंस आ गया, तो कितना आया 344,000, इसका मतलब ये हमारा एसेट तो नहीं है, ये तो लाइबिलिटी है, ये तो लाइबिलिटी ओवरड्राफ्ट है, तो ये कौन सा आएगा, बीटा ऑप्शन, नोट कर लो बच्चों 38 वाला डन, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, अच्छा बच्चों अब प्लीज, हेलो बच्चों, ओए बच्चों अब आपको इसके शॉर्टकट बताता हूँ, द रास्ता नंबर 2 प्लान बी, वो प्लान बी आप सुन के हैप्पी हैप्पी हो जाएंगे, हैप्पी हैप्पी हो जाएंगे, चेक कीजिएगा जरा, हेलो हेलो बच्चों, भाई जब हम BRS बनाते हैं, जब हम BRS बनाते हैं तभी तो हम यहां से स्टार्ट मारते हैं एडजस्टेड कैश बुक से, एग्री करते हो, यस सर, अच्छा फिर अनप्रेजेंटेड चेक क्या करते हैं हम, अनक्रेडिट चेक क्या करते हैं, अनक्रेडिट चेक माइनस करते हैं, ऐसी है, और बैलेंस कौन सा आ जाता है, बैंक स्टेटमेंट, एग्री करते हो, yes, अच्छा अब चेक करो उसने हमें बैंक बैलेंस भी दिया हुआ है, बैंक स्टेटमेंट वाला भी दिया हुआ है, ओवरड्राफ्ट कितना, यानी कि -450,000 यहां पे आ गया, अनक्रेडिट अनप्रेजेंटेड चेक कितने दिए हुए उसने हमें 520,000 है ना, 520,000 तो 520,000 को ऐड कर दो, अनक्रेडिट कितना 626, तो 626 माइनस कर दो, आपके पास ऑटोमेटिकली आंसर -344 आ जाएगा, ये आ जाएगा -344,000, लो जी यहां से भी आंसर आ सकता है, सही है, ये है प्लान नंबर बी, ये प्लान बी है, और इस प्लान बी को मुनासिब है आप इस फॉर्म में ले आओ यार, एडजस्टेड कैश बुक प्लस अनप्रेजेंटेड माइनस अनक्रेडिट इज इक्वल टू बैंक स्टेटमेंट,
अब यहाँ से आराम सुकून से निकल आएगा आप लोगों का -344 और ये ऑटोमेटिकली माइनस में ही निकलेगा, आपको चलेगा यार ये तो लाइबिलिटी आ रही है। ये तो तब ये कब तब करेंगे ओ भाई, ये काम कब करेंगे, जब हमारे पास एडजस्टेड कैश बुक का अगर ओपनिंग बैलेंस है तो ये भी कर सकते हैं, और अगर बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दिया हुआ है तो वो भी कर सकते हैं। अगर एग्जामिनर, हेलो बच्चो हाउ आर यू, अगर एग्जामिनर ये वाला अमाउंट ना देता तो सर मैं कभी भी कैश बुक से फाइंड कर ही नहीं सकता था। अगर एडजस्टेड अनएडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस ना होता तो कभी कैश बुक से आंसर फाइंड नहीं हो सकता था, फिर मुझे क्या करना था, बैंक स्टेटमेंट के गिवन बैलेंस से रिवर्स चल के एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस ढूंढना पड़ना था। अब यहाँ पे मेरे पास दोनों बैलेंस मौजूद थे तो मैंने दोनों से सॉल्व करवा दिया। याशी लग गई, और पूछे कौन सा, बस कौन से वाला 39 और 40 दोनों करवा दें। यार आप लोग सारे जन्नत में आए हुए हैं माशाल्लाह। 39 सेम है यार, 40 में भी हिम्मत कर ले, इसमें कुछ सेम सुम निकल ही आएगा। नहीं निकलता 40 वाला सेम, 40 वाले पर आ जाए। वाइल रिकनसाइलिंग द बैंक स्टेटमेंट विद कैश बुक ऑफ एबीसी टेक्सटाइल, हमने कुछ फॉलोइंग चीजें नोट की। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, भाई ये क्या लिखा हुआ है, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट कितना आया, ओवरड्राफ्ट नेगेटिव आ गया। चेक ड्रॉ बट नॉट प्रेजेंटेड, ये क्या आ गया, अनप्रेजेंटेड चेक, ठीक है। अच्छा जी, द अबव अनप्रेजेंटेड चेक इंक्लूड अ चेक 25,000 इश्यू टू सप्लायर, भाई इसमें से जो 25,000 वाला चेक था वो हमने क्या किया, सप्लायर को इश्यू कर दिया। मेरी बात समझ आ रही है, दैट इज टाइम बार्ड, और वो क्या हो गया, टाइम बार्ड हो गया। तो भाई टाइम बार्ड का तो हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो कैश बुक से ताल्लुक है। अच्छा टाइम बार होना 3 जनवरी को। अच्छा जी, तो भाई हमारे पास अनप्रेजेंटेड चेक कितने आ गए, 3,777,84, ये आ गया अनप्रेजेंटेड चेक, ठीक है, और ये बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस आ गया। भाई मुझे क्या चाहिए, एडजस्टेड कैश बुक चाहिए ना, एडजस्टेड कैश बुक चाहिए। फॉर्मूला क्या, एडजस्टेड कैश बुक प्लस अनप्रेजेंटेड इज इक्वल टू बैंक स्टेटमेंट आ जाएगा। भाई ये कैश बुक का बैलेंस चाहिए तो बैंक स्टेटमेंट से अनप्रेजेंटेड चुपचाप माइनस कर लो, आंसर आ जाएगा। बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट बैलेंस है कितना, -806,436, इसमें ये प्लस इधर के माइनस हो जाएगा, माइनस कर दो 3,777,84 आंसर आ जाएगा, 3,777,84 आंसर कितना आ गया, -118,420। लो जी खत्म कहानी, 39 वाला भी ऐसे ही होगा। फिर हाँ पूछो, अगर टाइम बार्ड, अगर टाइम बार्ड होता तो फिर भी कैश बुक में इसकी एडजस्टमेंट होती, हम तो बीआरएस वाले रास्ते से चल रहे हैं तो हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं, टाइम बार्ड का हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि जो मैंने रास्ता यूज किया वो बीआरएस वाला किया हुआ है, तो टाइम बार्ड तो बीआरएस में आता ही नहीं है, सही है। अगर मैं कैश बुक वाला रास्ता निकालता एडजस्टेड कैश बुक के लिए फिर टाइम बार्ड आता, लेकिन अभी अगर ये टाइम बार नहीं हुआ 25,000 तो कह रहा है ये अनप्रेजेंटेड में 25,000 पड़ा हुआ, तो भाई हमने भी तो पड़ा रहने दिया है, हमने कब इसको प्लस करके बाहर निकाला, इसको हमने भी पड़ा रहने दिया है, ठीक है। चलें बच्चो, बीआरएस डन बच्चो, कल इंशाल्लाह ताला हम बैड एंड डाउटफुल डेट्स करेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आ जाए, अगर आ गई हो तो कमेंट्स करके मुझे बता दीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज, अपलोड कर दूं, ओके।